आज हम दो तीन बातों के बारे में बात करेंगे। पहली तो यही कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं वायरस की वजह से, वो अब कब होने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी कि जो सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है, उसमें एक हिंदी का एग्ज़ाम भी है, तो उससे रिलेटेड आपको, यानी 12th क्लास से रिलेटेड, हिंदी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कौन कौन से वीडियोस और मिलने वाली हैं इन फ्यूचर, यानी इसी चैनल पर बहुत जल्द मिलने वाली हैं, वो भी उसके बारे में बताऊँगा। तीसरी चीज़ कि बहुत सी वीडियोज़ इस चैनल पर अभी नहीं है, 12th क्लास से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, तो 12th क्लास से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ इस चैनल पर मौजूद नहीं हैं। जो जो आपको चाहिए वो आपको किस तरह से मिल सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले तो बात बता देता हूँ कि आपको जो वीडियो देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर, यानी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर, वो है, इनमें से एक तो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नंबर का आता है, वो कितने नंबर का आता है वो वीडियो को मैं ही बताऊंगा, काव्य सौंदर्य वाली वीडियो में ही। तो काव्य सौंदर्य की वीडियो बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है आपको। और दूसरा, टॉपर्स आंसर शीट 2019 में जो टॉपर रहा हिंदी में, उसकी आंसर शीट आपको दिखाई जाएगी। उसमें कुछ बातें बताई जाएंगी जिसमें क्या क्या सावधानी आपको भी बरतनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आए, उसने क्या किया, उसने कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक अपनाई, या किस तरह से लिखा, कितनी उसकी राइटिंग अच्छी थी, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होंगी उसमें टॉपर्स आंसर शीट में। तो ये दो वीडियो और ऐसे ही एक आधी और भी हैं, लेकिन जो वीडियो इस चैनल पर मौजूद नहीं है उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको जो वीडियो चाहिए लेकिन इस चैनल पर मौजूद भी नहीं है और आगे भी शायद आपको ना देखने को मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो बन सकती है। उसके लिए आपको कमेंट्स करने होंगे, आप कमेंट्स करो, क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइम मिल गया है वीडियो बनाने का। अगर एग्ज़ाम हो चुका होता तो शायद वो वीडियो नहीं बन पाती, लेकिन अब जब टाइम मिल गया है तो मैं, आपको भी टाइम मिल गया और मुझे भी टाइम मिल गया है, तो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते कि आपको वीडियो चाहिए कौन सी। कब कमेंट करते हैं, लेकिन कब, जब पेपर का एक दिन रह गया या दो दिन रह गए, उस टाइम कहते हैं सर हमें इस पर वीडियो बना दीजिए। तो आप खुद समझदार हैं कि इतनी जल्दी वीडियो बन पाना बहुत मुश्किल होता है और इतनी सारी वीडियोज़ तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो अब मुझे टाइम मिल गया है तो आप कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मुश्किल से 2, 3, 4, 5, 10 कमेंट्स आते हैं और उनके लिए फिर यूं लगता है कि शायद मुझे नहीं बनानी चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मुझे इस पर वीडियो बना देनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स नहीं करते हैं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी शायद। तो जो वीडियो मैंने आपको बता दी है, इन पर वीडियोस मिलेगी, पक्की मिलेगी, उसके लिए कमेंट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वीडियो आपको चाहिए और इस चैनल पर मौजूद नहीं है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। और दूसरी बात है, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया है, ये बहुत बुरी बात है आपकी, कि आप में से अगर कुछ एक हैं, कुछ है क्या, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया है कि एग्ज़ाम तो अभी पता नहीं कब होंगे, ऐसा सोचकर पढ़ना ही बंद कर दिया। तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि पढ़ना बंद कर दोगे तो आपके जितनी भी पूरे साल की मेहनत है वो सब खत्म हो जाएगी। आप रोज़ का अपना टाइम टेबल बना लीजिए, उस हिसाब से ही पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे थोड़ा कम कर दीजिए ना पहले के मुकाबले, लेकिन रोज पढ़िए। आपने सुना होगा कि नदी का या कोई भी पानी अगर ठहर जाता है तो वो भी गंदा हो जाता है, तो ऐसा ही आपका ज्ञान है, अगर वो ज्ञान ठहर गया, रुक गया, आपने भी जैसे रोक दिया है अपने ज्ञान को, तो वो गंदा ही हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, वो सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी, चाहे आपने साल पूरे साल भर कितनी ही मेहनत की हो। तो अपने डेली प्रैक्टिस रखिए, अपना रोज़ अपडेट रखिए अपनी स्टडी से। तो मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आपके एग्ज़ाम बाकी हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, एक भी एग्ज़ाम नहीं रहा, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड है, तो अगर एक भी एग्ज़ाम नहीं रहा तो अपनी अगली क्लास की तैयारी कीजिए, या थोड़ा थोड़ा अपनी इन फ्यूचर के लिए तैयारी कीजिए, स्टडी कीजिए। बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिया तो समझ लीजिए आपका ज्ञान भी ख़त्म हो जाएगा, ये सच्चाई है, आप विश्वास करें या न करें। और आखिरी बात कि जो सीबीएसई ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं, बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कब होने वाला है, कब होने वाला है, या बहुत से सर्च करते रहते हैं बार बार। तो
तो आपको बता देता हूँ कि अभी सरकार को भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो इतना जल्दी मत कीजिए, आप तैयारी अपनी सुनिश्चित कीजिए कि हमारी तैयारी होती रहे, और एग्ज़ाम जब होगा तो मैं खुद भी बता दूंगा आपको, और वैसे भी आपको पता चल जाएगा, मैसेज वायरल हो जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें, तो पता चल जाएगा। अभी 31 मार्च तक तो बिल्कुल ही बंद है, इससे पहले तक तो नहीं होने वाला, ये पक्की बात है, लेकिन 31 मार्च के बाद शायद 2-4 दिन में हो जाए, शायद हो सकता है ये जो टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ वो उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा भी हो जाए और कहीं ज़्यादा कम भी हो जाए, मतलब हो सकता है कि बहुत जल्दी हो जाए और ये टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, ये सिचुएशन के हिसाब से बात बनेगी कि कब एग्ज़ाम हो पाए। तो इन बातों का ध्यान रखना और कमेंट्स करना मत भूलना, जो जो आपको वीडियोस चाहिए।